हेलो गाइस, वेलकम टू IGGGS IPU। दिस इज दिव्यांग शर्मा। और जिस तरीके से कुछ कोर्सेज के लिए आईपी यूनिवर्सिटी ने डेट शीट रिलीज करी थी, जो कि एक प्रपोज्ड डेट शीट थी कुछ दिन पहले, उसी तरीके से कुछ और कोर्सेज के लिए ये डेट शीट रिलीज की है। और जिसमें से एक कोर्स जिसके लिए हम लोग आप लोगों को हेल्प करते हैं, वो है इंजीनियरिंग। अब बीटेक के लिए भी ये प्रपोज्ड डेट शीट जो है वो रिलीज कर दी गई है। इस डेट शीट में कुछ खास बातें हैं, तो खास बातें देखने के लिए, सुनने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। अगर मैं इस डेट शीट को देखूं तो ये प्रपोज्ड डेट शीट के अकॉर्डिंग 2 February से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर है, 9:30 से 11 बजे तक थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, और 7th semester के एग्जाम जो है वो 3:30 से 5 बजे तक होंगे। ये डेट शीट बहुत सही चलती जा रही है कि मतलब आपके 2 February से एग्जाम होंगे, और उसके बाद अगर हम देखें तो 3rd, 5th, 7th सभी सेमेस्टर के लिए जो एग्जाम हैं वो खत्म हो जाते हैं 20 February को, यानी कि सैटरडे को। बहुत बढ़िया बात है। अब इसके नीचे एक नोटिस लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड थ्रू ऑनलाइन MCQ मोड। अब इसका मतलब तो आपको पता ही है, ऑनलाइन MCQ मतलब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक नए तरीके का पैटर्न होगा आप सभी के लिए, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इंजीनियरिंग में सब्जेक्टिव एग्जाम्स हुए हैं। एक खास बात यह है, अब इसमें ना नोट लिखा हुआ है। नोट में पहला नोट तो ये लिखा है कि अगर कोई भी चेंजेस वगैरह जो भी हैं वो 25 January तक रिपोर्ट कर दिए जाएंगे, और उसके बाद अगर एक फाइनल डेट शीट रिलीज होती है तो वो इसी के कंटिन्यूएशन में रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन एक खास बात, बुक्स एनी अदर प्रिंटेड हैंड रिटन कोर्स मटीरियल एटसेट्रा बैग्स मोबाइल फोन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट परमिटेड इन साइड द प्रिमाइसिस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अब इसको, इस नोटिस को पढ़ने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने इंटरप्रिट गीक्स के एप्लीकेशन में एक डिस्कशन स्टार्ट किया। तो पहला स्टूडेंट बोलता है, भाई एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन MCQ मोड होंगे। सही बात है। दूसरा स्टूडेंट बोलता है, भाई ये एग्जामिनेशन सेंटर में होंगे क्या? तो तीसरा बोलता है, अरे अगर एक सेंटर में ही एग्जामिनेशन करवाने होते तो फिर ये सब्जेक्टिव ही करवा लेते। तो इसमें चौथा बोलता है, कोई सेंस है इस बात की? तो इस तरीके से ये डेट शीट जो है ये एक तरीके से कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रही है। हालांकि ये नोटिस जो है ये मे बी जब फाइनल डेट शीट आ जाएगी उसमें चेंज हो जाएगा, बट फिर भी स्टूडेंट्स को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाता है डिस्कस करने के लिए, और वो पढ़ाई छोड़ के ये सब चीजों पर डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्कशन ना करते हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। MCQ मोड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई करना छोड़ना है, आपको और अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि पहले तो आप कहानियां भी लिख देते थे बीच में, लेकिन अब वो कहानियां चलेंगी नहीं। तो इसके लिए आप ठीक से सब्जेक्ट्स पढ़िए। इंटरप्रिट गीक्स की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, वहां पे सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स, वीडियोस, लाइव कोर्सेज रिलीज कर दिए गए हैं। तो देर किस बात की, जाइए पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए।